अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। और इस अध्याय में हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में, विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उल्लेखनीय है कि गत अध्याय 8 में हमने देखा कि किस प्रकार पुर्तगाल और स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के बाद 18वीं शताब्दी से दक्षिणी अमेरिका के अन्य भागों में और मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में यूरोप से आए अप्रवासी लोग बसने लगे। अपने बसने की प्रक्रिया में इन यूरोपीय अप्रवासियों ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को अन्य इलाकों में जाकर रहने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोप प्रवासियों द्वारा बसाई गई इन बस्तियों को कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहा जाता था, लेकिन कालांतर में इन कॉलोनियों अर्थात उपनिवेशों में रहने वाले यूरोपीय लोगों ने अपने यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र होकर राज अथवा देश का दर्जा प्राप्त कर लिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आकर बस गए। वर्तमान काल में इन देशों में यूरोपी और एशियाई लोग बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या बहुत कम रह गई है। शहरों में तो वे मुश्किल से ही नज़र आते हैं। ये लोग यह भी भूल गए कि कभी देश के अधिकांश भाग पर उन्हीं का अधिकार था और अनेक नदियों, शहरों, आधुनिक नाम जैसे संस्कृत राज अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएट, कर्नाटक में कास्ट सेवान, ऑस्ट्रेलिया में वाला गान और पर मत्ता का निर्माण देसी नामों से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में आपको बतला रहा हूँ। आधुनिक युग के प्रारंभ में यूरोप के अनेक देशों ने अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना में रुचि ली, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड एवं इंग्लैंड का नाम अग्रणी है। स्पेन तथा पुर्तगाल ने 17वीं शताब्दी तक दक्षिण अमेरिका में अपनी अपनी बस्तियों की स्थापना कर ली थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के पश्चात इन देशों के साम्राज्य का अमेरिका में और विस्तार नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी के पश्चात फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे दूसरे देशों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही इन देशों ने व्यापारिक गतिविधियों का भी विस्तार किया। आयरलैंड भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, क्योंकि वहां के अधिकार भूस्वामी अंग्रेज ही थे। यद्यपि अधिक लाभ की संभावना ने ही यूरोप की विभिन्न शक्तियों को अमीरी यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशों पर स्थापित किए गए नियंत्रण की प्रकृति अनेक विविधताएं थी जो 18वीं शताब्दी में
स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। दक्षिण एशिया में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने श्रम को राजनीतिक सत्ता की भर्ती प्रस्तुत किया और स्थानीय शासकों को परास्त कर अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने स्थानीय शासकों की पुरानी सुविकसित प्रशासकीय प्रणाली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वे भूस्वामियों से कर वसूली करते थे। कालांतर में उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार के विकास के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानों को खुदवाया और बड़े बड़े बगानों की स्थापना की। अफ्रीका में यूरोपीय लोगों के नियंत्रण की प्रकृति कुछ विभिन्न प्रकार की थी। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका के अतिरिक्त समस्त अफ्रीका में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को समुद्री तट तक ही सीमित रखा। यूरोपीय लोग 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ही अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्रों में जाने का साहस कर पाए। तत्पश्चात कुछ यूरोपीय देशों ने शांतिपूर्ण समझौता करके अफ्रीका को आपस में उपनिवेशियों के रूप में बांट लिया। दक्षिण अफ्रीका में डचों को आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों को और अफ्रीका में यूरोपियों को सेटलर अर्थात आबादकार के नाम से जाना जाता था। कनाडा के अतिरिक्त उक्त सभी उपनिवेशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। कनाडा में फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। मैंने आपको मूल निवासियों का विस्थापन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाया है, समझाया है और पीडीएफ में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए और कोई समस्या है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।